कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और इसमें दिल्ली की व्यवस्था को सुधारने के लिए ही महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विपक्ष के नेता रामवीर सिंह भदूड़ी ने सांसदों के साथ एमसीडी चुनाव के लिए संकल्प पत्र लॉन्च किया। 12 सूत्रीय संकल्प पत्र में दावा किया गया है कि दिल्ली को ढलाव मुक्त किया जाएगा, अनाधिकृत कॉलोनियों का हाउस टैक्स माफ होगा, झुग्गी वहां मकान की योजना केंद्र सरकार के माध्यम से पूरी कराई जाएगी, फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि फैक्ट्री लाइसेंस प्रस्ताव पिछले साल पास किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को रोक दिया था। इस बार प्रस्ताव लागू कराया जाएगा। पार्टी ने एमसीडी स्कूलों को आधुनिक बनाने के साथ ही मैटरनिटी वार्ड और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की भी बात कही है। महिलाओं के विकास के तहत गरीब विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए विवाह अनुदान राशि को 30,000 से 50,000 रुपए तक बढ़ाने का बीजेपी ने वादा किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रसोई शुरू कराई जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बीजेपी ने दिल्ली में 1,000 छठ घाटों को बनाने का वादा किया है।